जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी, फिट फाट होंगे जी। तो ये जी काफ़ी दोस्त यार बोल रहे थे जी, आप अपनी छत से बाजी कब बनाएंगे जी, आप अपनी छत से बाजी कब बनाएंगे। तो चलें जी, अब हमारा तो कोई सीन प्लान नहीं था बाजी शाजी उड़ाने का, मतलब कि बाजी तो नहीं उड़ानी, टूर्नामेंट्स उड़ाने का। तो अभी बबलू भाई आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी कबूतर निकालते हैं, तैयारी शैरी शुरू करते हैं। तो अपने परिंदे भी इतने आए नहीं थे अपने पास, तो बस कुछ ही वो पुराने जो परिंदे थे बाहर से भी कहीं से भी लाए नहीं थे, क्योंकि उधर से मून की छत से बाजियां लगी हुई थी, उधर से कर रहे थे सारी तैयारी थी। तो कोई सीन शीन नहीं बना था, लेकिन अब अपनी छत से तैयारी शुरू कर दी जी हमने आज से। तो आज निकाल रहे हैं जी हम अपने परिंदे, तो फिर आपको साथ साथ पूरी अपडेट देते हैं। पहले आपको शौक करवाएं अपने परिंदों का। बबलू ये ठपठपिया ना निकाल, ये जी जो ठपठपी है उनको ठपठपिया ना निकाल ना, इसको अंदर का नहीं है। अच्छा ये बच्चा भी अंदर कर दे यार, अंदर कर देना, हमने वो लगानी है, फड़क लगानी है। तो फिर अच्छा जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात कबूतर इधर से निकाल लिए जी हमने, बाकी मादियाँ वाली साइड पे चलते हैं जी, मादियाँ भी निकालते हैं जी। आज मौसम लश है, कल तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल्लाह माफ़ करे कि एक तबाही उतर गया जी। तो मेरी ये गुजारिश है जी कबूतर बाज़ों से, अगर किसी भाइयों दोस्तों ने अगर किसी के कबूतर पकड़े हुए हैं यार, वो उनको वापस कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है, पूरे साल की मेहनत होती है। तो जिन जिन भाइयों ने कबूतर किन लोगों के पकड़े हुए हैं उनको कॉल करके वापस करें, अगर कड़ियाँ नहीं डली तो ग्रुपों में शेयर करें उनकी वीडियोस बना के, ताकि उनके परिंदे पूरे हो जाएँ। तो मैं भी आपको अपडेट नहीं दे सका बाजी की, तो अब इंशाल्लाह ताला अपनी छत से शुरू कर रहे हैं कबूतर बाजी। तो इधर माशाल्लाह जी परिंदे शिंदे भी ला के छोड़ेंगे, और तो अभी देखते हैं जी कुछ टूर्नामेंट शोर्नामेंट भी खेलते हैं छोटा मोटा पिंडी का। बस और ना निकाल, और बस मेन जो कबूतर हैं वो निकाल, ठपठपिया छपठपिया ना निकाली बस। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ बना के शेयर करें ज़रा। चल अंदर ही रोकना, मैं ज़रा वो उधर से खोल दूँ। टाइम तो अभी सुबह का, मतलब के 10 बजे का टाइम है तकरीबन। चलो जी ये खिड़कियाँ खोल दी हैं, ये खोल देना, सब्र पहले मैं इधर से नार निकाल लूँ। और देखिए आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकाल रहे हैं। बच्चे के ऊपर आज नज़र रखी बबलू यार, ये एक बच्चा नया जी हमने उस दिन निकाला था, गायब हो गया था, लेकिन फिर मैं दिन के टाइम गया था तो ये वापस आ गया था। आज देखते हैं जी बच्चा ये क्या करता है जी। बबलू भाई कह रहे थे मैंने उस दिन भी निकाल के उड़ाया था ये ऊपर चला गया था, लेकिन आज निकाल के चेक करते हैं जी ये बच्चा क्या करता है, उड़ता है या कहीं बैठ जाता है, चेक करते हैं जी। माशाल्लाह ये देखे जी मौसम फुल लश हुआ हुआ है जी, नीचे तो ये देखें जी फ्रेंड्स, अभी दो कबूतर बैठे हैं, ये चीना कबूतर बैठा है एक, और एक ये नीला कबूतर बैठा है, ये दोनों कबूतर साथ बैठे हैं। 2 बजे टाइम दो हो गए हैं जी, 2:02 हो गए हैं और दो कबूतर ये बैठ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ये देखें जी कबूतर बैठ रहे हैं माशाल्लाह जी। तीन दिन चार चार घंटे उड़ के आ गए जी, ये नागन मादी बैठ गए जी, और वो दूसरी मादी भी बैठ गए जी। ये देखें अभी इन्होंने मुंह खोले हुए हैं, अभी इसका मतलब है कि ये सही अभी खुले नहीं हैं, 2-3 फड़के इनको लगेंगी ये फिर सीधे हो जाएंगे जी। तो फ्रेंड्स वो जो अभी बैठे थे कबूतर सारों को मैंने अंदर कर दिया है, अभी 3-4 कबूतर ऊपर हैं,
मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। दो कबूतर तो ये सामने उड़ रहे हैं जी, काफ़ी ऊंचे हैं। एक बेनज़ीर का पटाखा आई है ऊपर आसमान में, बुलंदी में, और एक बच्चा है जी हमारा जो आपको बताया था सुबह वाला। जो नीचे आए हैं वो किधर गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। अभी इधर सामने ही फेरे थे, थोड़े से नीचे होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। अभी काफ़ी ऊपर हैं तो आते हैं तो फिर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ जी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जी ताकि पूरी आपको अपडेट मिलती रहे। तो चार कबूतर ऊपर हैं जी, एक बच्चा और दो नर हैं और एक मादी है। जैसे जैसे आते हैं फिर आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये एक मादी आई है जी, ये बैठ रही है। ये एक मादी आ गई जी, अब पीछे रह गए जी दो कबूतर और एक बच्चा। कबूतर देखते हैं जी, फिलहाल ऊपर तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो जैसे जैसे वो भी आते हैं फिर आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। ये मादी बैठी है जी, टाइम तकरीबन हो गया जी 3:20। चले जी वो भी आते हैं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी ये देखें जी फ्रेंड्स, बेनज़ीर का पट्टा आ गया जी, ये नीचे आ गया जी, काफ़ी नीचे आया तो फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू की है। तो गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा है कल की भी निस्बत, कल फ्राइडे था तो आपको पता ही है पिंडी इस्लामाबाद में कितना तबाही मची थी। सुबह सुबह ही लोगों के कबूतर बारिश और उसकी वजह से जो बर्फ़ के ओले पड़े हैं उसकी वजह से गिरने शुरू हो गए थे। तो कल तो ठंडा था मौसम, कईयों के कबूतर सुबह बैठ गए थे, कईयों के बैठे ही नहीं हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कबूतर ज़ाया हुए हैं जी कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में। बाकी ये बेनज़ीर का पट्टा आ गया जी, ये नीचे ये आ गया जी, माशाल्लाह जी अभी भी ठीक उड़ रहा है जी। काफ़ी ऊंचा था नीचे से, मैंने कबूतर शबूतर थोड़े से फेरे हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा सा नीचे आ जाए। टाइम भी आपको दिखाते हैं, तकरीबन 3:38 हो गए जी। तो ये आपके सामने है जी, आया हुआ है सामने, किधर गया ये, ऊपर खड़ा है जी, फिर ऊपर चला गया जी। जूम करके दिखाता हूँ आप, चेक करें जी माशाल्लाह। चलें जी थोड़ा सा और नीचे आता तो फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, बबलू भाई किसी का बच्चा स्टोम उगा रहे हैं जी, बच्चा आके बैठा जी किसी का। आपके साथ ये भी ज़रा अपडेट शेयर करें ना जी, बबलू भाई बच्चा पकड़ रहे हैं जी किसी का, गुलाबी रंग लगे हुए हैं जी इसको, नीचे उतार रहे हैं जी, ये उतर गया जी नीचे, अभी ऊपर आएंगे जी, ऊपर से स्कंदर करेंगे जी। बाकी अपने कबूतर, अपना कबूतर आया था नीचे जी, काफ़ी लंबा लंबा चल रहा है जी, फिर ऊपर चला गया। नीचे से छेड़छेड़ करवाने के लिए कबूतर उड़ाए हैं जी, देखो अब क्या होता है जी। लेकिन ये देखें जी, वो बबलू भाई नीचे सराखों में देखें नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के छुप छुप के, ये अभी उठाएंगे जी एल, वो एल उठाया जी बबलू भाई ने, वो उड़ गया जी बच्चा, वो चला गया जी, वो चला गया जी, वो जा रहा जी बच्चा उड़ के। चलें जी अपना परिंदा आए तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं अपडेट। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये शाका हमारा दोबारा आ गया जी, इसका हमने नाम शाका डाला हुआ है जी। नाम डालने की भी कोई वजह होती है, कोई हिस्ट्री होती है कबूतरों की, जो कबूतरों के नाम डलते हैं जी। ये आ रहा है जी, तो ये जी हमारा शाका काफ़ी देर से उड़ रहा है जी। घंटा पहले भी आपको आया था नीचे दिखाया था, तो अभी ये घंटे बाद फिर नीचे आया जी। काफ़ी लंबा लंबा चलता है फिर ऊपर हो जाता है, अभी भी इसका बैठने का मूड नहीं लग रहा। ये देखें जी, ये वही हमारा शाका जी जो 4 दिन बाद, पिछली आपने वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी, 4 दिन बाद आया था ये जी घर। और एक बार उससे पहले पिछले सीज़न में ये रात रह गया था बाहर, तो रात को इसको किसी ने पकड़ने की कोशिश की है तो ये उसके हाथ से निकल आया था। इसकी दुम सारी उतरी हुई थी, फिर हमने अंदर इसको छोड़ दिया था, फिर परपटाई दी इसको,
फिर इस सीज़न में निकाला है, सीज़न में भी रहा है रात, तो चार दिन बाद घर वापस आया। फिर इसका नाम हमने डाल दिया जी शाका। शाका मारा जा सकता है पर जिंदा पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों जी बबला जी? यही बात है जी, यही बात है जी। ये बबलू भाई सिगरेट भी पी रहे हैं जी, साथ दूरबीन भी रखी हुई है। बच्चा किधर गया? बच्चा पता नहीं किधर गया जी। बच्चा हमारा जी वो उड़ गया जी, वो उधर से बच्चा, वो बबलू उड़ गई, वो खाली से उड़ गया, वो बच्चा जा रहा है वो। हाँ तो हमारा बच्चा जी कोई नहीं आया जी, तो बैठे हुए हैं। कल तो आ गया था इस टाइम, लेकिन आज उसका कोई अता पता नहीं। और वो शाका मारा, देखें जी किधर चला गया जी, फिर ऊपर चला गया। तो चले जी फ्रेंड्स, ये नीचे आए तो फिर आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो ये जी फ्रेंड्स, हमारा शाका फिर से आ गया जी वापस नीचे। ये बस आखिरी गेड़ों में है जी, बैठ रहा है, चेक करेंगे। शाका ये जी माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छी परवाज़ दे गया है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। ये इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, उड़ते आके आते सार ही नीचे आके बैठ जाता है। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं जी हम। तो मिलते हैं जी आपके साथ एक नई वीडियो में। तो बच्चा तो नहीं आया, तो इजाज़त दीजिएगा जी, काफ़ी टाइम हो गया। बल्कि मैं आपको टाइम दिखा दूं कि ये कितने बजे बैठा जी, ये बैठा जी 4:55 पे। तो चलें जी फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तो इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।